हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक इन इन्वेस्टमेंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं टाइकून का फिजियोथेरेपी मशीन 10th विथ अल्ट्रासोनिक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये 4 चैनल 10th के साथ अल्ट्रासोनिक भी आता है। ये आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन में 5,500 से 6,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। टाइम टू टाइम इसका प्राइस वेरी होता रहता है। आज हम इसका फंक्शन बताएंगे और कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ फ्रेंड्स, ये फिजियोथेरेपी मशीन 10th विथ अल्ट्रासोनिक, ये आपको बैक पेन, आपका नी पेन, कहीं भी पेन अगर है तो आपको इसको अपने घर में यूज़ करके बहुत ही अच्छे से आप अपने पेन से रिलीफ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम आपको क्लोजअप दिखाते हैं और कैसे ऑपरेट करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। बाकी आपने अगर अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा है तो लिंक दे देंगे या आई बटन में जाके आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि फिजियोथेरेपी 10th यूनिट विथ अल्ट्रासोनिक कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये फिजियोथेरेपी यूनिट है। यहाँ पे आपको 4 चैनल आपको 10th मिल जाता है। 10th मतलब ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन। जी हाँ फ्रेंड, माइनूट सा इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आपको पेन रिलीफ ये प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे 4 चैनल है, मतलब 4 इसमें आप कॉर्ड लगा सकते हैं और सभी चैनल का जो स्टिमुलेशन है वो यहाँ पे 9 तक दिया हुआ है। धीरे धीरे आपको बढ़ाना है, जहाँ तक पेशेंट बर्दाश्त कर पाए वहाँ तक आपको इंक्रीज़ करना है। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स 10th। उसके बाद ये अल्ट्रासोनिक का पॉइंट है, यहाँ पे आपको कॉर्ड लगाना है और बाकी यहाँ पे इंटेंसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं इसको बढ़ा के। बाकी यहाँ पे आपको टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से टाइम अप डाउन कर सकते हैं और इंटेंसिटी आप अल्ट्रासोनिक का यहाँ से बढ़ा सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोग्राम दिया है, ब्रश 1 कॉन्टीन्यूअस, ब्रश 2 PWM स्वीप एंड कॉम्बी, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 125, 150, 10 एंड 2। तो फ्रेंड्स, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट एंड स्टॉप करना है और उसके बाद धीरे धीरे आपको 10th का पावर इंक्रीज करना है। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपको जैसे यूज़ करना है अल्ट्रासोनिक, तो अल्ट्रासोनिक कॉर्ड को आपको लगा देना है और इंटेंसिटी आपको बैक पेन, नी पेन के लिए 3.5 तक कर सकते हैं, बाकी आप उससे कम भी कर सकते हैं। तो उसके ये सब अप्लाई करने के पहले आपको जेल ज़रूर लगाना है। जी हाँ फ्रेंड, अल्ट्रासोनिक जेल। अब जैसे मान लीजिए यहीं पे पेन हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, यहीं पे पेन हो रहा है, आपको ऑन कर देना है पहले। तो जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये ऑन हो गया है। ऑन होने के बाद आप अल्ट्रासोनिक का, ये आपको अल्ट्रासोनिक है, अल्ट्रासोनिक का इंटेंसिटी आपको धीरे धीरे बढ़ाना है। यहाँ फ्रेंड्स 3.5 आपने कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आपको पेन है, यहाँ पे आपने जेल लगा दिया और अल्ट्रासोनिक को यहाँ पे आप अप्लाई कर दीजिए। इसको राउंड फिगर में ऐसे मूवमेंट देना है थोड़ा प्रेस करके। ये सब करने के पहले आप फ्रेंड्स, आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, हमने अल्ट्रासोनिक कर लिया है। अल्ट्रासोनिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको 10th करना है। जी हाँ फ्रेंड, 10th करने के पहले जैसे ये एक 10th चैनल 1 है, यहाँ पे आपको अल्ट्रासोनिक जेल को अप्लाई करके अच्छे से आप लगा लीजिए। ये किसी भी तरह के पेन, बैक पेन, लोअर बैक पेन, नी पेन, रिस्ट पेन, कहीं पे भी
आप यूज़ कर सकते हैं। टेंस फ्रेंड्स, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिक नर्व स्टिमुलेशन होता है। स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू आपको पेन रिलीफ प्रोवाइड करता है। हमने जेल लगा लिया। जेल लगाने के बाद आपको ध्यान देना है कि जो चैनल आप कर रहे हैं सब जो है जीरो पे ही रहना चाहिए, कोई भी सेटिंग ऑन करने के पहले। तो हमने ऑन कर दिया। ऑन करने के बाद फ्रेंड्स अब रिस्ट में हमें करना है, तो यहाँ पे एक चैनल से ही हो जाएगा। आप अगर बैक पे करेंगे तो दो चैनल आपको लगाना पड़ेगा। नॉर्मल जो सेटिंग होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे ये प्रोग्रामिंग करना है तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना है। फ्रीक्वेंसी आपको 125 पे रखना है और उसके बाद यहाँ पे आप टाइमिंग कर दीजिए 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जो भी आपको करना चाहें। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक रेड एंड ब्लैक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेन है, एक हमने यहाँ पे लगा दिया। आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं प्रॉपर गाइडेंस के लिए। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये हमने दोनों को एडजस्ट कर दिया है। आपको बस ध्यान देना है, आप बैक पे लगाइएगा तो रेड अगर ऊपर है तो ब्लैक नीचे, और ब्लैक ऊपर है तो रेड नीचे। अब ये आपको लगाने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। प्रोग्रामिंग और फ्रीक्वेंसी आपने सेट कर लिया है, टाइमिंग सेट कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे आप स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे आउटपुट इंडिकेटर जलने लगेगा, रेडी पे इंडिकेटर आपका ऑन हो जाएगा। आपने जो चैनल लगाया है उसको आपको धीरे से ऑन करना है। मेरे लिए 2 पॉइंट सफिशियंट है। ऑन करने के बाद आप धीरे धीरे पावर को बढ़ाएंगे। आपको स्टिमुलेशन समझ में आएगा। जहाँ पे समझ में आए और जहाँ तक बर्दाश्त हो आप वहाँ पे रुक जाएंगे। और जैसा कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, 4 मिनट बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से आप दूसरा चैनल भी एडजस्ट कर सकते हैं, तीसरा भी, चौथा भी। तो बैक पेन के लिए कम से कम 2 चैनल आपको लगाना पड़ेगा। रिस्ट है तो यहाँ पे 1 चैनल से ही काम हो गया। नी पेन में भी आप 2 चैनल यूज़ कर सकते हैं। घर में आप यूज़ कर रहे हैं तो बार बार खोलने का ज़रूरत नहीं है। जितना भी ये टेंस है, आपको टेंस का जो ये इनपुट है उसको आपको इसमें इंसर्ट करना है जिस चैनल पे और यूज़ करना है। इसके साथ हमें ये 3 बेल्ट मिला है अलग अलग साइज़ का, और अल्ट्रासोनिक जेल एक देखने को मिल जाता है। जैसे ही फ्रेंड्स टाइमिंग ऑफ होगा वैसे ही बीप का साउंड आएगा, तो आप जो है मशीन को ऑफ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी भी तरह का पेन मैनेजमेंट में ये फिजियोथेरेपी का मशीन टेंस विद अल्ट्रासोनिक काफ़ी यूज़ है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर बेस 4 चैनल टेंस ऑटोमेटिक अल्ट्रासोनिक। ये टाइकून फिजियो सॉल्यूशन है, और भी सारे ब्रांड हैं, मेड इन इंडिया का लोगो है। काफ़ी अच्छा हमें लगा अभी तक। बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। बाकी आप अगर पहले ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टॉप कर दीजिए। यहाँ पे स्टॉप हो गया। और ये सब सभी में फ्रेंड्स अल्ट्रासोनिक जेल अप्लाई ज़रूर करना है आपको। प्रॉपर गाइडेंस के लिए आप फिजियोथेरेपिस्ट से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ टेक एन इन्वेस्टमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।